हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? और अच्छे ही होंगे, होप सो। अभी जस्ट मैंने आपको थोड़े से फ्लावर्स दिखाए, तो हमारे घर में जो है ये दो प्लांट, वो जो प्लांट वाला था एक जैसे लगा के चला गया था, तो उसमें पर्पल कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं, कुछ सदाबहार के हैं। और एक नया प्लांट और था जो पूरी तरह से सूख गया था, पर उसमें दो चार पत्ते नए आए और फूल आ रहे हैं, वो भी व्हाइट कलर के फूल आ रहे हैं। मुझे उनका नाम नहीं पता वो कौन से है। तो अब अच्छा लग रहा है फाइनली कि कुछ जो हमारे पौधों में जो फूल आना शुरू हुए, क्योंकि उस टाइम पे हमने इतने सारे पौधे लगवाए और सारे के सारे मतलब डिस्ट्रॉय हो गए, कुछ नहीं रहा। और जो ये रहता है मीठी नीम का पेड़, यानी कि कड़ी पत्ते का पेड़, वो तो एक बार वो सूख कर हम उखाड़ भी दिया था, फिर नया दोबारा लगाया। अब देखो कितना रहता है, स्टेबल रहता है कि नहीं रहता है। तो बस अभी फिलहाल प्लांटों को देख के, मैं डेली छत पे नहीं आती, तो देखकर खुशी हुई, अच्छा लगा मुझे कि चलो फ्लावर्स आ रहे हैं। और अभी मैंने फिलहाल लगा रखी है ये मशीन, तो कि आप जैसे देख रहे थे कि अब थोड़े से कपड़े हैं, इनको मैं वॉश करूंगी। और आज डे है फ्राइडे का, मैं वॉश करूंगी, उसके बाद अपना आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं और कुछ काम करते हैं। नहा मैंने लिया है, ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है, बस कपड़े वगैरह वॉश कर जो है वो रह गए हैं। अभी फिलहाल जो है मैं कपड़े वॉश कर लूँ, फिर आगे के काम को कंटिन्यू करते हैं। मौसम में आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फर्क हो गया है। छत पे हूँ मैं, पर उतनी धूप नहीं है, थोड़ा लाइटिंग इधर ज़्यादा हो रही है। आई थी किस एंगल में जाऊँ, हाँ ये ठीक है, छत पे हूँ, पर धूप ज़्यादा नहीं है, अच्छी खासी हवा चल रही है, अब अच्छा लगने लगा है। बट ये है कि जो अंदर के कमरे होते हैं, अंदर के रूम होते हैं, उनमें ह्यूमिडिटी है। तो अभी फ़िलहाल हमारा एसी रनिंग पर है, स्टॉप नहीं हुआ, चल रहा है। अदरवाइज़ बाहर के जो रूम्स है वो काफ़ी अच्छा है, ठंडा है, छत पर भी धूप नहीं है और सही मौसम हो रहा है। अभी हो रहा है 11:30 बज रहे हैं, उस हिसाब से धूप देखे बिल्कुल नहीं है। और कुछ ये रखे हैं हमने, बाल्टी में रखे हैं, मतलब जो हम हैं गेहूं जो है वो पिसवाते हैं, फिर मतलब रोट उसका आटा यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ा गेहूं जो है हमने पिसवा के धो के रखे हुए हैं, साफ़ करके इस तरीके से दिख रहा है क्या ये। तो एक बाल्टी ये है, इनको सो करके अच्छे से करकरारे हो चुके हैं, अब जब मुझे आटा पिसवाना होगा तो इससे मैं पिसवा लूँगी। एक बाल्टी ये है और एक बाल्टी वो, तो ये दो बाल्टी गेहूं जो है अभी फिलहाल जो है सूखने के लिए रखे हैं, मतलब सूख ही चुके हैं, फिर भी इनको थोड़ा हमने सोचा कि धूप में अभी एक दो दिन और रख दिया जाए, तो बाल्टी के समेत ही रख दिया यार, कुछ वैसे निकाल के नहीं रखा है, फैला के नहीं रखा है। और थोड़ा ना लाइटिंग इश्यू हो रहा है यार, कहाँ जाऊँ मैं तो इस तरीके से फिर हम इन्हें जब हमें यूज़ करने होते हैं उतने हम निकाल के थैले में डाल के पिसवा लेते हैं। और बाकी अब धूप आई है, देखिए थोड़ा सा अब धूप आई है। और वो मेरा ट्राइपॉड देखो, उसकी मुंडी अभी फोन ट्राइपॉड से गिर गया, मुंडी नीचे पड़ी है और उसका धड़ ऊपर पड़ा है, तो इस तरीके से टूट गया ये। इस ट्राइपॉड ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है आजकल। एक्चुअली ये पता नहीं क्या हो गया, ये यहाँ से जो है जो इसकी ये चीज होती है यहाँ से ये लूज हो गया है यहाँ से ये। तो अब इसको मैं कुछ करूँगी, इसका जुगाड़ ग्लू वगैरह लगा के, कुछ जो होती है ना गन ग्लू वगैरह से, जिससे परमानेंट काम हो जाए, तो उसको चिपका दूंगी। तो ये जो इसका ट्राइपॉड का सर है, इसकी मुंडी जो है फिलहाल मेरे हाथ पे है। और ये जो एरिया है ये हमारा एज ए स्टोर रूम के रूप तौर पे हम काम करते हैं। ये हमारा कूलर, जिसका अब कोई यूज़ नहीं है, मेरी शादी का कूलर, इस तरीके से बांध बुंध के ढक के रखा है। ये कुछ और सामान है यहाँ पे थोड़ा, मतलब जब हमने इंस्टीट्यूट खाली करा था उसके दरवाजे वगैरह वो सब पड़े हुए हैं, अब ये किसी काम के भी नहीं है, फेंकने भी नहीं लग रहे हैं, तो अभी रखे हैं, अगर कोई ले जाता है तो किसी के काम आ जाए तो वो रखा है। एसी का आउटडोर इधर ही लगा है, और इतना जो हमने उधर से छत का डोर है और इधर ये डोर लगा के, पहले भी मैंने बताया है, तो ये एज अ छोटा सा स्टोर रूम बना दिया। और मशीन मैंने ऊपर ही रखी है, तो कपड़े उपड़े वहीं वॉश करो और सीधा यहीं पर जो है अपने छत पर डाल दो, तो बहुत ईजी रहता है यार। ज़्यादा धूप है शाम को कर लो, दिन में कर लो, दिन में भी कर रहे हो तो आपको तो कोई धूप लग नहीं रही क्योंकि आप तो शेड के नीचे हो, पर ये देखिए इस तरीके से, तो सही है छत पे कपड़े वॉश करना, कहीं जाना नहीं है, सीधा डाल दो और डालो कपड़ों को छत पे। तो ये है, और फिलहाल मैं अभी इसका भी थोड़ा कुछ जुगाड़ करूंगी यार। तो ये मेरा एक लॉट जो है कपड़ों का मतलब धुल चुका था, तो मैं कपड़ों को सीधा बकेट में ना लाके निकाल के मशीन में से इस तरीके से तार पे रख दिया है कि करके। अब सबसे पहले मैं ये अपनी पैंट को उल्टा करके डाल रही हूँ, मैं सभी कपड़ों को उल्टा करके डालती हूँ, क्योंकि उल्टा करके डालने से कपड़ों को ये फ़ायदा रहता है कि कोई बर्ड वगैरह या कोई कबूतर कुछ भी बैठ जाए या कोई धूल वगैरह लग जाए तो वो उल्टी तरफ से ही गंदे हो, सीधी तरफ से कोई दाग वगैरह ना लगे, इसलिए मैं सारे कपड़ों को उल्टा करके डालना ही प्रेफर करती हूँ। अब इस तरह से एक, अब ये सारे कपड़े फैलाने के बाद मैंने जो हो ये जो क्लिप्स होते हैं जो कपड़ों की चिमटी जिसे बोला जाता है, इसको इसी तरीके से एक डब्बे में रखा हुआ है, क्योंकि इस तरह से रखने से ये सेफ़ रहती है, अगर आप इसको तार पे छोड़ दो तो फिर जल्दी टूट जाती हैं। और एक एक करके मैं सारे कपड़ों पे जो है चिमटी लगा दी, क्योंकि हवा थी काफ़ी थी और उड़ जाते हैं तो कपड़े फिर प्रॉब्लम होती है, इसे सारे कपड़ों पर चिमटी लगाना ही सेफ़ है।
सारे कपड़े जब मैं मशीन में घुमा लेती हूँ तो जो पानी बचता है ना उसमें लास्ट में ये पोछे होते हैं, कुछ हमारे पोछे कुछ नीचे इंस्टीट्यूट के पोछे, तो सब मैं लास्ट के पानी में डाल के घुमा देती हूँ, क्योंकि पोछा भी यार डेली साबुन से धोना जरूरी है, वरना वही पोछा अगर गंदा गंदा लगता रहेगा तो फिर कोई फायदा नहीं है सफाई का। तो लास्ट में इस तरीके से लास्ट के पानी का यूज मैं करती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं अगर आप नहीं करते तो, इस तरीके से लास्ट के साबुन की जो सर्फ का पानी है उसका यूज पोछा डस्टर ऐसे जैसे कपड़े धोने के काम में मैं लेती हूँ। कपड़े जो है सारे वॉश हो चुके हैं, ये तो टी शर्ट्स की लाइन शुरू हो रही है यहाँ से, और ये वाला तार भी पूरा टी शर्ट्स में ही है, ये सारा टी शर्ट टी शर्ट टी शर्ट, हम दोनों हस्बैंड वाइफ टी शर्ट बहुत पहनते हैं। फिर दूसरे लॉट में धोए तो दोनों लॉट के कपड़े जो है कवर अप हो गए, धो लिए। तो इस ग्लू गन का यूज करके मैं पहले अपने ट्राईपॉड के चिपकाती हूँ, यार बार बार इस तरीके से फोन गिरता रहेगा तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो करती हूँ। तो ये चिपका तो दिया है, देखो मैंने अब कितना वर्क करता है, कितना वर्क कट रहता है, ये लूज तो मुझे अभी भी लग रहा है। एक्चुअली मैंने ये मेरा नहीं है, मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज किया है ग्लू गम को, किसी का है ये पता नहीं चिपकेगा या नहीं चिपकेगा। अब जो है ना शाम का टाइम हो गया था तो मैं क्लास लेकर आई तो कुछ बलाई पड़ी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका मक्खन निकाल के फिर इसका घी बना लिया जाए, तो फिर मैं वही कर रही थी, जार में जो है सारा मलाई पुट ऑन करके फिर मैंने इसका मक्खन बनाया, और फिर उसको कढ़ाई में डाल के सारा घी मैंने बना के घी बना के रख लिया था। पर ये प्रोसेस मैंने नहीं दिखाया क्योंकि सभी जानते हैं घी कैसे बनता है, और मैंने पहले भी दिखा रखा है, तो इस वजह से मैंने घी बनाने का प्रोसेस नहीं दिखाया। जो मैंने आपको मेरे लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं रेड साड़ी पहन के जो गई थी यहाँ पे जो भागवत चल रहा है उसका है, तो भागवत का साउंड जो है ना इतना ज्यादा है कि यहाँ घर तक सुनाई देता है, तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ बैठे बैठे सारे भजन उनकी सारी कहानी जो है वो सब कुछ सुनाई देती है। तो अगर पीछे से आवाज आएगी तो आप लोग समझ जाना, अभी जस्ट अभी बंद हुई है तो मैंने तब कैमरा ऑन किया। तो आज का व्लॉग जो अब मैं सोच रही हूँ खत्म ही कर दूँ, ज्यादा लंबा ना हो गया हो, और आज दिन में मैंने बनानी है भिंडी की सब्जी और रोटी रायता, आज का डिनर जो है हमारा जस्ट इतना ही रहेगा। तो अब मैं ब्लॉग खत्म करती हूँ, मिलेंगे आपसे दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।